हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स मैट्रिक के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर के द्वारा बतलाया गया है, जिसमें मैट्रिक के रिजल्ट का फाइनल दिनांक जारी कर दिया गया है। आज 1 अप्रैल का अभी अभी अपडेट आया हुआ है, तो चलिए फ्रेंड्स न्यूज को आप लोग को दिखलाते हैं कि किस दिन जो आपका जो है फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग को अपडेट को दिखलाते हैं, तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और जो स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार होंगे तो फ्रेंड्स चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग इस पेपर को देख लीजिए, यहाँ पे बीएससीबी बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2020 जाने कब तक आ सकता है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट। फ्रेंड्स आपका जो अपडेट है 1 अप्रैल 2020 यानी आज सुबह ही अपडेट आया हुआ 5:20 पे जो फ्रेंड्स आपका अपडेट किया हुआ है हिंदुस्तान पेपर में, जो आपका फ्रेंड्स आप भी देख सकते हैं, ठीक है, गूगल पे भी जाकर फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं हिंदुस्तान का पेपर में जो न्यूज जो अभी अपडेट आया हुआ है 1 अप्रैल 2020 का 5:20 में जो अपडेट किया हुआ है कि रिजल्ट जो है मैट्रिक का किस दिन जो है अब आएगा। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, सब कुछ फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको बतलाने वाले हैं कि किस दिन जो आपका जो फाइनली रिजल्ट जो है आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग देखिए और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2020, बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट जारी होने के बाद अब बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2020, बीएससीबी बिहार बोर्ड 10th रिजल्ट और बीएससीबी बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2020 का इंतजार है। फ्रेंड्स अब जो है मैट्रिक के इंतजार में जो छात्र लोग इंतजार कर रहे हैं। अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएससीबी ने 10वीं परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन को 14 अप्रैल तक स्थगित कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको जो है कि लॉकडाउन की वजह से जो है 14 अप्रैल तक जो आपका जो कॉपी का जो मूल्यांकन कुछ बचा हुआ था, 20-25% जो आपका कॉपी जो चेक होना था वही बचा हुआ है, यानी 14 अप्रैल के बाद जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होता है उसके बाद जो आपका जो कॉपी जो फिर से चेक होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे और देख लीजिए और क्या बतलाया हुआ है। इससे पहले 31 मार्च तक कोरोना वायरस महामारी के कारण मूल्यांकन स्थगित कर दिया गया था, ठीक है। अब देश भर में केंद्र सरकार के लॉकडाउन के कारण मैट्रिक की कॉपियों का मूल्यांकन 14 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया है, इससे रिजल्ट में देरी हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें 14 अप्रैल के बाद जो है आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ फ्रेंड्स आपको बताने वाले हैं, नीचे दिया हुआ है कि किस दिन जो आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बिहार बोर्ड की 75% कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हो चुका है, ठीक है। ऐसे में अगर बिहार बोर्ड के मैट्रिक के मूल्यांकन का काम 14 अप्रैल तक भी शुरू होता है तो 28 और 29 अप्रैल तक ही बिहार बोर्ड मैट्रिक का नतीजे जारी हो सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को साफ साफ बताया जा रहा है कि 14 अप्रैल के बाद जैसे ही लॉकडाउन खत्म होते हैं उसके बाद कॉपी का मूल्यांकन स्टार्ट हो जाता है फिर से, तो फ्रेंड्स आपका जो है रिजल्ट फाइनली 28 से 29 अप्रैल तक आने की पूरी पूरी संभावना। फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप लोग जो है बतलाया जा रहा है कि 28 या 29 अप्रैल तक जो आपका जो है रिजल्ट जो है अप्रैल के लास्ट मंथ में जो आपका जो है आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग यहाँ तक इतना समझ में आप लोग को आ गया हो कि नहीं, 14 अप्रैल के बाद जैसे ही कॉपी फिर से चेक होना स्टार्ट होता है तो आपका जो फाइनली रिजल्ट है 28 या 29 अप्रैल तक आ जाएगा, ठीक है। और कुछ इसमें क्या आप लोग को दिया हो उसको भी आप लोग और देख लीजिए। बिहार बोर्ड के प्रवक्ता राजीव द्विवेदी पहले ही कह चुके हैं कि मैट्रिक की कॉपियों का अभी मूल्यांकन पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। मूल्यांकन के काम समाप्त होने के बाद टॉपर्स की कॉपियों का टॉपर्स का भौतिक सत्यापन होगा, यानी टॉपर्स का जो कॉपी जब चेक होगा, यानी टॉपर्स जिसका जो टॉपर्स जो स्टूडेंट बनने जाएगा उसको कॉपियों का सत्यापन किया जाए कि उस सही में उसके लायक है या नहीं। उसका जो इंटरव्यू होगा कुछ उससे प्रश्न पूछा जाएगा, उसके बाद जो उसका सत्यापन होगा उसके बाद परीक्षा के परिणाम निकाले जाएंगे। कुल मिलाकर माने तो कॉपी चेक होने के बाद रिजल्ट घोषित तो होने में 10 से 15 दिन का समय लगेगा, ठीक है। अभी जो कॉपी चेक होने के बाद स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद जो है 10 से 15 दिन के अंदर जो आपका जो है रिजल्ट जो है फ्रेंड जारी कर दिया जाता है, ठीक है। यानी 25% कॉपी चेक होना बचा हुआ, ठीक है। तो 25% कॉपी चेक होने में फ्रेंड आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 दिन यानी 1 हफ्ता आपका जो है टाइम जो है लग जाएगा, ठीक है। यानी 14 के बाद भी अगर कॉपी चेक आपका होना स्टार्ट होता है तो 28-29 तक जो फ्रेंड्स आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग को पूरा वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा।
तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को फ्रेंड्स आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 100% सही न्यूज को बतलाया जाता है फ्रेंड्स, कोई भी फेक न्यूज इस चैनल पर आप लोग को नहीं बतलाया जाता है। तो फ्रेंड्स चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, फ्रेंड्स वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।